hello dear students welcome back to csa tutorial in this video of class 12 you are going to learn about the most important questions on chapter indian economy on the eve of independence first question is what was the major occupation in india on the eve of independence its answer is agriculture was the major occupation in india on the eve of independence jabharat hua तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती का ही काम कर रहे थे किसानी कर रहे थे सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डू यू मीन बाय स्टेग्नेंट एग्रीकल्चर इट्स आंसर इज स्टेगनेंट एग्रीकल्चर एम्प्लाइज इंक्रीमेंटली लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टेग्नेट एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है यानी कि जो भी प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम है जितना हो सकता था उससे भी कम पैदावार जो है वो खेतों में हो रही है स्टेग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई कोई चीज़ तो इसीलिए स्टेग्नेंट एग्रीकल्चर का मतलब हुआ कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है थर्ड क्वेश्चन इज नेम द इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आर इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट्स आंसर इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्कस कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर इन ऑपरेशन इन आर इकॉनमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब भारत देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तकला की जो इंडस्ट्री हैं वो मेटल और प्रीशियस स्टोन जेम्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो कॉटन जूट लोहा और स्टील इन सब की इंडस्ट्रीज जो थी वो थी भारत में काम कर रही फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज़ द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी इस्टेब्लिश जो भारत की पहली आयरन और स्टील कंपनी थी वो कहाँ पर इस्टैब्लिश हुई इट्स आंसर इज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज इस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सेवन एट जमशेदपुर जिसका नाम था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये भारत की पहली आयरन और स्टील कंपनी थी जो कि 1907 में जमशेदपुर में इस्टैब्लिश हुई थी फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब हस्तकला इंडस्ट्री के अंदर डिक्लाइन आया तो उसके क्या क्या असर हुआ इट्स आंसर इज मैसेव अनएम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ लोकली मेड गुड्स इन इंडिया बहुत सारे लोग क्योंकि भारत के अंदर हस्तकला बहुत ज़्यादा लोग कर, काम करते थे तो उसके अंदर जब उसके अंदर कमी आनी शुरू हुई उसके काम में तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और जो सामान उस एरिया के अंदर लोकली बनता था उसमें भी कमी आनी शुरू हो गई सिक्स क्वेश्चन इज नेम द कंट्रीज़ with which India used to trade during British rule? Its answer is more than 50% of the India's trade was confined to Britain. Other countries with which India used to trade were China, Ceylon, yani ki Sri Lanka and Persia that is Iran. लगभग 50 परसेंट ट्रेड जो था भारत का वो ब्रिटेन के साथ में था उसके अलावा जो थो, थोड़ा बहुत था वो बाकी की इन कंट्रीज़ के साथ में होता था जिनमें कि चाइना श्रीलंका और ईरान थे सेवेंथ क्वेश्चन इज स्वेज कैनाल इट्स आंसर इज द स्वेज कैनाल वॉज ओपन इन द ईयर 1869, which drastically reduced the cost ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया जो स्वेज कैनाल थी जब वो 1869 के अंदर ओपन हुई तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई क्योंकि इसका रूट शॉर्ट हो गया था एट्थ क्वेश्चन इज नेम द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेवनटींथ सेंचुरी हाउ डेड ही डिस्क्राइब इंडिया इट्स आंसर इज बर्नियर वॉज द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेवनटींथ सेंचुरी ही डिस्क्राइब्ड इंडिया एज रिचर देन इजिप्ट एक फ्रेंच ट्रैवलर बर्नेन नाम का जब सत्रहवीं शताब्दी में भारत आया तो उसने इंडिया को रिचर देन इजिप्ट कहकर डिस्क्राइब किया था नाइन्थ क्वेश्चन इज नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटल इनकम ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड इट्स आंसर इज दादा भाई नरोजी विलियम दिग्बाई वी के आर वी राव आर सी देसाई दीज वर सम इकोनॉमिस्ट Who estimated India's per capita income during the colonial period? Tenth question is Name the cotton textile which had its origin in Bengal. By which other names is it known? Its answer is Dekka, muslin, is a type of cotton textile which had its origin in Bengal. It is also known as Malmal -mal Shahi a, or Malmal -mal Khas. डेक्का मसलन जो है वो उसका ओरिजिन जो है वो बंगाल से है और इसको मलमल शाही और मलमल खास के नाम से भी जाना जाता है इलेवेंथ क्वेश्चन इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट्स आंसर इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड बट इज केप्ट फॉर द कंजम्प्शन ऑफ द फैमिली एंड टू प्रोवाइड सीड्स फॉर द नेक्स्ट सोइंग पीरियड जब खेती बाड़ी जो है उसका प्रोड्यूस यानी कि जो भी आपने उगाया उसको बेचने के लिए नहीं आपने अपने परिवार के लिए या फिर अगली बार उसको बीज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए किया गया हो उसको हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं यानी कि उसको बेचने के लिए नहीं सिर्फ अपने परिवार के खाने के लिए ही उगाया जा रहा है ट्वेल्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इट्स आंसर इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन

जब भारत आज़ाद हुआ तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन सी थी भारत के अंदर इट्स आंसर इज कॉटन टेक्सटाइल जूट टेक्सटाइल शुगर इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्रीज दीज वर सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशन इन आर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो भारत में काम कर रही थी फोर्टीन क्वेश्चन इज वॉट डज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोज इट्स आंसर इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर शोज

वेन वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेस ऑपरेशन अंडरटेकन भारत का पहला जो ऑफिशियल सेंसेस है वो एटीन एटी वन के अंदर हुआ था इन एटीन एटी वन इंडियाज़ फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेस ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन सिक्सटींथ क्वेश्चन इज वॉट डज डेमोग्राफिक कंडीशन रेफर्स टू इट्स आंसर इज डेमोग्राफिक कंडीशन रेफर्स टू वेरियस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री सच एज लाइफ एक्सपेक्टेसी लिट्रेसी रेट बर्थ रेट एक्सेट्रा डेमोग्राफिक कंडीशंस मीन्स जब आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो कि वो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेसी कितनी है कितने लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि लिटरेसी रेट कितना है बर्थ रेट कितना है यहाँ पे उसको हम डेमोग्राफिक कंडीशंस बोलते हैं क्वेश्चन इज वेन वॉज द स्वेज कैनाल ओपनड State its effect on the Indian economy. Its answer is Suez Canal was opened in 1869. Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in northeastern Egypt. It is one of the most important waterways in the world. Its opening reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier and economical. सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रोमिटेड प्रोमटेड prompted monopoly control of India's foreign trade by the British government. तो इस कैनाल के, के खुलने से ये एक आर्टिफिशियल जो है वाटरवे है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को आ रहा है और इसके कारण जो है वो भारत का सामान एक्सपोर्ट होने में अब अगर आप पहले वाला ये देखो जो डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस रूट बता रही है भारत से पहले जब ब्रिटिश में ब्रिटेन में सामान जाना होता था तो उसको कितना लंबा रूट जो है वो ट्रैवल करके जाना पड़ता था लगभग उन्नीस हज़ार आठ सौ किलोमीटर वो पहले ट्रैवल करना पड़ता था बट जब से स्वेज कैनाल ओपन हुई 1869 के अंदर उसकी कारण जो है वो ट्रैवल का जो डिस्टेंस है वो भी कम हुआ और ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो गया जिसकी वजह से जो ट्रेड है उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई आपका सामान जल्दी पहुंचना शुरू हो गया और इसने एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लेकर आया भारत के फॉरेन ट्रेड के अंदर भारत का सामान जो है वो और देशों के पास में पहुंचना और आसान हो गया और बहुत कम समय में पहुंच जाता था एटीनथ क्वेश्चन इज इन्यूमिनेट द मेन रीजन फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो इतनी स्लो क्यों थी इसके कुछ मेन कारण जो हैं उनमें से सबसे पहला है द डेथ रेट वॉज क्वाइट हाई जो डेथ रेट हाँ था वो बहुत ज़्यादा हाई था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट वॉज ऑल्सो हाई स्प्रेड ऑफ एपिडमिक्स एंड फेमींस वॉज क्वाइट फ्रीक्वेंट उस वक्त जो है क्योंकि हेल्थ फेसिलिटीज अच्छी नहीं थी तो इसकी वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा था बच्चों की केयर अच्छी नहीं होती थी इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट का मतलब है एक साल से जो छोटे बच्चे हैं उनका मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था महामारी का फैलना या भुखमरी का फैलना उसकी वजह से है पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे 19th question is The Zamidari system of land settlement was responsible for the stagnation of Indian agriculture. Explain. Its answer is The Zamidars were recognized as the permanent owners of land and were required to pay a fixed sum of money to the government on a specified day in lieu of this right. If they defaulted on making payment, then this right was taken away from them. जमींदार जो थे उनको पर्मानेंट लैंड ओनर्स माना जाता था अगर वो सरकार को एक फिक्स सम देते रहे एक जो डेट उन्होंने दे रखी है अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनसे यह अधिकार ज़मीन का छीन लिया जाता था बिकॉज ऑफ दिस द ज़मींदार्स वर चार्ज ह्यूज रेंट फ्रॉम द टायलर्स एंड इवन फोर्स देम टू पे इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर्स इन स्पाइट ऑफ चार्जिंग अवज रेंट दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर Also, after paying huge amount of produce as rent, the farmers were in no position to buy fertilizers and pesticides to increase the productivity of land. All this led to the stagnation of Indian agriculture. Zamidar जो थे, वो tylers, यानी कि जो बुआई करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा जो है, rent charge करते थे। फसल ख़राब हो जाने की स्थिति में भी, zamidar जो थे, वो tylers से जो जबरदस्ती rent लेते थे। इतना ज़्यादा रेंट लेने के बावजूद भी उनकी स्थिति जो थी वो एग्रीकल्चर में इम्प्रूव नहीं की जाती थी और रेंट वगैरह पे करने के बावजूद जब किसान ऐसी स्थिति में नहीं होता था तो वो ना ही तो फ़र्टिलाइज़र खरीद पाता था ना ही पेस्टिसाइड जिसकी वजह से उस जमीन की प्रोडक्टिविटी जो थी वो भी बहुत कम हो जाती थी और इसी के कारण जो है वो भारत के एग्रीकल्चर जो है उसको स्टेग्नेट कहा गया है या स्टेग्नेशन आई उसके अंदर 20th question explain the various systems of collecting land revenue prevalent under the british rule its answer is the following two systems of collecting land revenues were prevalent under the british rule first royatwari system it was the way of collecting tax revenue in british controlled areas in india directly from the cultivators of farmland

महालवारी सिस्टम के अंदर ऐसे लैंडलॉर्ड और जमींदार आते थे जो कि पूरे गाँव को रिप्रेजेंट करते थे और आप ये भी कह सकते हो कि वो गाँव के मुखिया थे और उस पूरे गांव से वही कर वसूल करते थे जो भी पेमेंट्स वगैरह आती थी रेवेन्यू की वो लोग ही वहां से क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रेलवे के कारण भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या असर हुआ उसके बारे में आपको बताना है इट्स आंसर इज रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन मेनी वेज सबसे पहला था इट अनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक जियोलॉजिकल एंड कल्चरल बैरियर्स रेलवे से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना आसान हो गया स्पेशली जो दूर के इलाके थे सेकेंड है इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर विच अफेक्टेड द सेल्फ ऑफ सफिशंसीजनोमी विलेज इकोमी इन इंडिया थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड सप्लाईज टू अफेक्टेड एरियाज क्विकली रेलवे के थ्रू जो लोग अनाज वगैरह उपजा रहे थे उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया और जो सूखाग्रस्त इलाके थे या जिन इलाकों में ज्यादा खाने की जरूरत रहती थी वहां पर भी आपको खाना ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया था ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड इट्स आंसर इज द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इंडिया इन एवरी पॉसिबल वे raw materials from india was exported and expensive finished goods were imported to india also the heavy administrative cost related to running of the colonial rule in india in the form of wages and salaries of the administrative staff and the expenses borne by britishers in fighting wars were borne by the revenues generated in india all this led to the drain of india's wealth इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो भारत की धन संपदा थी वो धीरे धीरे कैसे खत्म होती चली जा रही थी जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने हर रूप से भारत को जो है वो एक्सप्ल करने की कोशिश की वे भारत से सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल खरीदते थे और यहाँ पर अपने देशों से एक फिनिश गुड्स बनाकर भारत में इम्पोर्ट करते थे कोलोनियल रूल को भारत में चलाने के लिए जो इतना ज्यादा खर्चा होता था उनकी सैलरीज होती थी वेजेस होती थी उस सारे स्टाफ के खर्चे भी भारत से ही वसूले जाते थे ना सिर्फ इतना बल्कि कई सारी जो लड़ाइया ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे उसके भी होने वाले खर्चे जो थे वो भारत से ही वसूले जाते थे थे जो भारत से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके उसके थ्रू वो खर्चे की की भरपाई करते थे। इसी कारणों वजह से भारत का बहुत सारी धन संपदा जो थी वो उन देशों में चली गई ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इज विच ईयर इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम Its first to the second decisive stage? Its answer is the year 1921 is regarded as the defining year or the year of great divide because prior to 1921, population growth in India was stagnant. India was in the first phase of demographic transition till 1921, that was characterized by high birth rate and high death rate. After 1921, India's population growth. नेवर डिक्लाइन एंड शोड अ कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड जो साल उन्नीस सौ इक्कीस है उसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है क्योंकि उन्नीस सौ इक्कीस से पहले जो भारत की पॉपुलेशन थी वो लगभग रुकी हुई काइंड kind ऑफ of थी जिसका कारण था हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट बट उन्नीस सौ इक्कीस के बाद में उन्नीस सौ इक्कीस के बाद में भारत की पॉपुलेशन कभी भी डिक्लाइन नहीं हुई कम नहीं हुई उसके बाद में उसने कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाया कंसिस्टेंट का मतलब लगातार ही अपवर्ड ट्रेंड ही शो किया यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती ही गई डाउनफॉल नहीं आया उसमें डिक्लाइन नहीं आया इसीलिए नाइनटीन को डिफाइनिंग ईयर और ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से भी कहा गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट्स आंसर इज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटीरियल सच एज रॉ सिल्क cotton wool sugar indigo jute etc at that time india used to import finished consumer goods such as cotton silk and light machinery from factories of britain more than half of india's foreign trade was restricted to britain while the rest was targeted to countries like china ceylon yani ki sri lanka and persia that is iran question number 25 what was the twofold motive behind the systematic de-industrialization affected by the british in pre-independent india its answer is making india a supplier of raw materials the main motive of british government was to make india a mere supplier of cheap raw materials to feed its own rapidly expanding industrial base ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि भारत जो है वो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक सप्लायर बन के रहे क्योंकि उनके देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो इसीलिए वो सिर्फ रॉ मटेरियल सस्ते दामों पे भारत से खरीदना चाहते थे सेकेंड इज मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश गुड्स एन अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन डी इंडस्ट्रियालाइजिंग इंडियन इकोनोमी वॉज टू यूज इंडिया एज अ लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट टू सेल द फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज सो दैट Their industries never face a demand shortage and could keep on flourishing. British government चाहते थे कि भारत की अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करके ये सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के ऊपर ही निर्भर करें फिनिश गुड्स के लिए इसलिए वो भारत से रॉ material जो है वो import करते थे और भारत को एक्सपोर्ट करते थे वो अपना बनाया हुआ सामान ताकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज जो हैं वो कभी भी इस चीज़ की शॉर्टेज ना फेस करें भारत जो था वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे था

ये उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उन्हीं एरियाज़ तक ही रखी थी जहां पर उनको लगता है कि भारत के अंदर उनका सामान जो है जिन एरियाज़ के अंदर तरह से बिक सकता है सिर्फ उन एरियाज़ तक ही उन्होंने ये एरिया इन सेंस दैट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री वॉज नॉट एडिकुटली सपोर्टेड बाई कैपिटल गुड इंडस्ट्री भारत के अंदर जो इंडस्ट्री की ग्रोथ थी लोप साइडेड का मतलब होता है एक तरफा वो एक तरफा थी जिसके अंदर कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री जो थी उसको कैपिटल गुड की इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर पा रही थी पूरी तरह से थर्ड पॉइंट इज नो प्रायरिटी वॉज गिवन फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन दैट इज टिस्को एस्टैब्लिश इन नाइनटीन सेवन वॉज द ओनली बेसिक इंडस्ट्री इन इंडिया ब्रिटिशर ने भारत के अंदर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप के अंदर भारत देश जब आजाद हुआ तो भारत के अंदर सिर्फ एक ही बेसिक इंडस्ट्री थी, थी जो कि टाटा आय एंड स्टील कॉरपोरेशन थी फोर्थ पॉइंट इज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज लोपसाइडेड एंड वॉज डोमिनेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज थर्टी वन परसेंट एंड लार्ज इंडस्ट्रीज फोर्टी थ्री परसेंट बट वेरी फ्यू मीडियम इंडस्ट्रीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट वॉज द फोकस ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज पॉलिसी बाय द कलोनियल गवर्नमेंट in india what were the impacts of these policies its answer is the focus of economic policies pursued by the colonial government in india was to make india an exporter of raw material for feeding the rapidly expanding modern industrial base and to target india as a market for its finished goods britishers ne bharat ke liye jo bhi economic policies banai uske piche unka maksa sirf ek tha ki वो अपने खुद के देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर रहे हैं एक्सपैंड कर रहे हैं उसके लिए भारत जो है वो सिर्फ एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करे और जो भी वो सामान बनाए उसके लिए भारत जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट का, का काम करे द ब्रिटिश पॉलिसीज हैड द फॉलोइंग ऑन इंडिया सबसे पहला था एग्रीकल्चर सेक्टर हैड अ लॉट ऑफ सरप्लस लेबर एंड हैड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी खेती बाड़ी के अंदर बहुत लोग काम तो कर रहे थे बट उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं थी सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज बैकवर्ड एंड लैक्ड डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ था थर्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर हाई गरीबी भी बहुत ज्यादा थी और लोगों के पास में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा थी फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नीडेड अपग्रेडेशन फिफ्थ पॉइंट इज फॉरन ट्रेड वॉज बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिशर्स जो फॉरेन ट्रेड था उसका फायदा जो था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को हो रहा था क्योंकि वो भारत से सस्ते दामों पे जो था सामान खरीदते थे और अपना सामान जो है वो बनाकर भारत को एज अ मार्केट के तौर पे इस्तेमाल करते थे जहां पे वो अपना खुद का बनाया सामान बेच सकें ट्वेंटी एट क्वेश्चन वट वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इट्स आंसर इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर एज फॉलोज First is the colonial exploitation trade malpractices. Britishers exploited India by following the given trade practices. They collected raw material for British industries from India. They sold finished goods for of British industries in India to encourage the above trade. No duty was charged on import from Britain, and subsidy was given for exporting raw materials to Britain. ब्रिटेन जो था वो अपने देश के लिए तो जो सामान उनके देश में बन रहा उसको बेचने के लिए भारत पे अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा रहा था बट जो भारत से रॉ मटेरियल जाता था उसके ऊपर उन्होंने सब्सिडीज़ देनी शुरू हो गई जिसकी वजह से एंड में भारत के ही जो इकोनॉमी थी वो गिरती चली जा रही थी और लोगों के ऊपर इसका बहुत गलत असर पड़ रहा था सेकेंड पॉइंट इज यूज ऑफ ब्रिटिश कैपिटल टू एक्सप्लॉयड कंट्रीज रिसोर्सेज The Britishers used their capital and entrepreneurial skills to exploit India's natural resources and cheap labour resources. The Britishers invested in mining and plantation industries and paid very low wages to the workers in spite of unsafe working conditions. Britishers jo the wo Uh, जो लेबर है उसको सस्ते दामों पे खरीद के और अपनी खुद की स्किल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर माइनिंग का काम कर रहे थे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों से इतना काम करवाने के बाद में भी उनको बहुत ही लो वेजेस दी जाते थे थर्ड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विच कॉम्प्लीमेंटेड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड ओनली इन दोज इंडस्ट्रीज विच कॉम्प्लीमेंटेड द ग्रोथ ऑफ देयर इंडस्ट्रीज बैक होम सो दे इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग रेलवेज जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो डिस्करेज एज देव थ्रेड फॉर द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर सिर्फ उन्ही इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जिसका उनको खुद को फायदा हो सकता था पर जो बाकी कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज थी उसका सेटअप ही भारत के अंदर नहीं किया गया ना ही उसकी तरफ ध्यान दिया गया फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक ड्रेन द ब्रिटिश ड्रेन द कंट्री इकोनॉमिकली दे टुक अवे वेरियस वेल्थी पोजिशन दैट इंडिया पोजिस्ट फॉर एग्जाम्पल द फेमस कोहिन्मंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली अ ट्रिलियन डॉलर वर लूटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन एडिशन टू दैम एंड ज्वेल्स ब्रिटिशर्स ने लूट लूट के भारत के धन संपदा को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई थी यहाँ तक कि वो भारत का बहुत ही फेमस कोहिनूर हीरे को भी लूट कर अपने पास ले गए थे और लगभग एक ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास जो था वो भारत से उन्होंने हीरे ज्वारात के अलावा लूटा था फिफ्थ पॉइंट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री दिस वॉज द मोस्ट जिया कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया

in the absence of any patronage and incentive started to decline the decline of handicraft industry not only created massive unemployment but also resulted in the spur of demand in the indian consumer market which was now deprived of supply of locally made goods this demand was met through the goods produced by the british industries bharat ki jo handicraft industry thi

Only those public sector enterprises which subserved the interest of the Britishers were developed, such as railway, postage, and telegraph, etc. Next, third point is absence of capital goods industry. The consumer goods industries were not supported by the capital goods industry. There was also a dearth of basic and heavy industries. क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज को अपने अकॉर्डिंगली ही सेटअप किया था भारत के अंदर इसीलिए भारत के अंदर बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज जो थी वो नहीं थी जो कि कंज्यूमर गुड को सपोर्ट कर पाए बिकॉज नो इनिशिएटिव टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियलाइज द इंडियन इकोनॉमी देयर फोर मॉडर्न इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड एन एलिजिबल ग्रोथ रेट अ फ्यू एंटरप्राइजिंग ऑनटरप्रोर्स ओपन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री शुगर सीमेंट एंड पेपर मिल्स

उसके कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी रहे इट्स फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इन टू स्मॉल फ्रेगमेंटेड टेरिटरीज लेड बाई द डिफरेंट डायनेस्टीज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिज टेरिटरीज एंड यूनिफाइड दी पोलिटिकली एंड एक ब्रिटिश रूल से पहले भारत जो है वो छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों तक में बटा हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे जैसे उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया तो उनको एक इकट्ठे देश के रूप में पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्थ्रो द ब्रिटिशर्स डिवेल्प वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज रोड्स रेलवे फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट येट दीज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड हेल्प इन द कल्चरल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री The developed means of transport also help to prevent the spread of famines. Third point is the growth of monetary system. The colonial rule helped the country to shift from the barter system of exchange to a monetary system. This monetized system helped the country to benefit from large scale production. Colonial rule की वजह से भारत के अंदर मॉनेटरी सिस्टम यानी कि मुद्रा सिस्टम आया. इससे पहले भारत में ज़्यादातर बार्टर सिस्टम भी चल रहा था. Fourth point is spreading education. The Britishers opened a number of schools in India and introduced English as the official language. Education helped the Indians to identify their basic right of freedom and fight for it. Also, the knowledge of English made them aware of the world and expanded their horizon. Fifth point is eradicating social evils. द ब्रिटिशर्स enacted several टू बैन सोशल इवेंट्स लाइक सती सिस्टम चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा दे ऑल्सो also विडो री मैरिज ब्रिटिशर्स ने कई सारे भारत के जो समाज के अंदर ऐसी सोशल इवेंट्स बुरी प्रथाएं चल रही थी जैसे कि सती प्रथा थी चाइल्ड मैरिज थी इनको खत्म करने में योगदान दिया इसके खिलाफ उन्होंने कई सारे ऐसे लॉज बनाए सिक्स पॉइंट इज Efficient system of administration. The Britishers left behind an efficient system of administration. They also made exhaustive records of every plan, policy, agreement, etc. This system of administration and record keeping helped the independent Indian administration to efficiently manage the country. Thanks for watching, dear students. I hope you find this video useful. Don't forget to hit the like button and subscribe for more such videos and share this video with your friends. Thank you.